गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर। आज हम अपने उस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म एंड द पीपल्स। अब तक हमने 3 लैंडफॉर्म्स पढ़े बेटा, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज। वहाँ उनकी हमने इम्पोर्टेंस देखी, किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनकी हाइट, इनकी वेजिटेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन देखी। अब ऊपर देखिए, आप पिक्चर देख रहे हैं, प्लेन्स की है, धान की रुपाई हो रही है, खेती की जा रही है, ये प्लेन का सीन है, आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स और उनमें लोग कैसे हैं। जैसे देखिए, रोप ब्रिज है बेटा, ये रस्सियों से बना हुआ ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश का, दिख रहा है, रोप ब्रिज है बेटा, नदी पार करने के लिए इन्होंने रस्सियों से बनाया गया ब्रिज है, पुल है ये। देखिए लैंडफॉर्म एंड द पीपल, ह्यूमन क्या है, लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स, मानव विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स पे रहता है, डिफरेंट वे में, अलग अलग तरीकों से। लाइफ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरिया, मुश्किल होती है बेटा जीवन पर्वतीय क्षेत्रों में। प्लेन्स प्रोवाइड करते हैं बेटर कंडीशन बेटा हमारे लिए, अच्छी स्थिति। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप प्लेन्स में, अभी हमने कल ही पढ़ा कि आसानी से फसल उगाई जा सकती हैं, बिल्ड किए जा सकते हैं हाउसेज और रोड्स को प्लेन्स में, देन ए माउंटेन, पर्वतों की तुलना में प्लेन्स में हम आसानी से घर और सड़कें बना सकते हैं और खेती कर सकते हैं। डिफरेंस देखा माउंटेन और प्लेन में। अब आपका दे रखा है बेटा एक क्वेश्चन है, कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंस इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म। क्या आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीकों से लोग रहते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स में। तो इसमें दे रखा है आंसर, साथ में दे रखा है बेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमास विच इफेक्ट द ह्यूमन, जो मानव पे प्रभाव डालता है बेटा। एज ऑन हिल टेम्परेचर आर यूजुअली डाउन एंड लाइफ इज टफ एंड इन प्लेन लाइफ इज ईजी। इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा था और आंसर में भी वही चीज़ है। समटाइम कई बार क्या होता है बेटा, जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं, प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं, जैसे कौन कौन सी है बेटा प्राकृतिक आपदा, अर्थक्वेक है सभी जानते हैं, भूकंप, वोल्केनिक जो इरप्शन है यानी ज्वालामुखी जो विस्फोट है, स्टॉर्म तूफान है, फ्लड बाढ़ है, इससे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है यानी बहुत बड़े क्षेत्र में विनाश होता है, ह्यूज लॉस होता है लाइफ का बेटा और प्रॉपर्टी का, जीवन का भी और संपत्ति का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है नेचुरली क्लाइमिटी से। बाय क्रिएटिव अवेयर, रचनात्मक अवेयरनेस के कारण, जागरूकता के कारण, इनसे इनके प्रति अगर हम जागरूक रहें तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वी मे लोअर द रिक्स, इन ऐसी घटनाओं में हम कम से कम नुकसान कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक आपदा इसे हम रोक तो नहीं सकते बेटा, लेकिन हम इसे इसका नुकसान कम से कम कर सकते हैं। ये एक पॉपुलेटेड रिवर है, सॉरी पॉल्यूटेड रिवर है बेटा ये, यानी पॉल्यूटेड का मतलब होता है दूषित। देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है इसमें नदियों में, जो हम अपना इस्तेमाल की हुई चीज़ों को पानी में फेंक देते हैं, फिर वो बह के नदियों में चली जाती हैं, नदियों से वो महासागरों में चले जाते हैं, तो किस तरीके से हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कितने गंदे हो जाते हैं। इसलिए आपको समय समय पर अवेयर कराया जाता है कि वाटर बॉडीज़ को हम पॉल्यूट ना करें यानी दूषित ना करें, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वाटर रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दे रखा आपका, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से वी यूज़ द लैंड एंड वाटर, हम लैंड और वाटर को यूज़ करते हैं कितने तरीकों से। देखिए यूज़ ऑफ लैंड, देखिए बेटा हम भूमि का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, पेस्ट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए, हैबिटेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, शहरीकरण, आवास रहने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। यूज़ ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग वे, अब हम पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा सभी जानते हैं, पीने के लिए, फिशिंग मछली पालन के लिए, इंडस्ट्री उद्योगों में पानी चाहिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी चाहिए, अर्बनाइजेशन यानी शहरों के लिए पानी चाहिए, शहरीकरण करने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ घरेलू यूज़ जो होते हैं हमारे उनके लिए हमें पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, सीवेज डिस्पोजल के लिए चाहिए, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें यूज़ होता है पानी का, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं रूरल एरिया में उनके लिए जैसे ड्रिंकिंग बाथिंग एक्सेट्रा, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को पीने के लिए नहलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब अपना नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, पिक्चर दे रखी है आपको, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके आंसर है। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि आप इस पिक्चर को देखेंगे,
इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करेंगे। कल जब मैं आपको पॉइंट टू रिमेंबर करवाऊंगी उससे पहले इस पिक्चर को समझाऊंगी बेटा, तो पहले आप इसको अच्छे से खुद रीड करिए। इसके आंसर्स भी दे रखे हैं पर आंसर आप बाद में देखिएगा, पहले आप कोशिश करिए कि आपके मन में क्या आता है ये क्वेश्चन देखने के बाद। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें देखिए कि पहला तो दे रखा है कि इन सबको आप ध्यान से देखेंगे, 1 to 10 नंबरिंग दे रखी है। फिर इसमें दे रखा है कि 1 to 10 और 7 में जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं इस फोटोग्राफ में वो किसकी दिखा रखी है। जैसे 1 में है, 1 में आपको क्या दिख रहा है बेटा, सैंड दिख रहा है, कैमल दिख रहा है, वेजिटेशन नहीं दिख रही है, तो ये कौन सा लैंडफॉर्म है बेटा, डेजर्ट है। सेकेंड में देखिए ये समुद्र का तट है, ये समुद्र का पानी है, तो ये क्या है बेटा, कोस्टल प्लेन है, ठीक है, कोस्टल रीजन है, दो कोस्टल एरिया है। फिर आप 7 पे आ जाइए बेटा, ये रहा। अब इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, माउंटेन्स के ऊपर घर बने हुए हैं, वेजिटेशन है, तो ये माउंटेनियस रीजन है। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस को भी अपने दिमाग से करिएगा बेटा, अच्छा लगेगा, क्रिएटिविटी वर्क है, सोचिए और समझिए और फिर बाद में इसके आंसर जो की दे रखा है उसको देखना बेटा, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट आंसर देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। अब देखिए बेटा, कई बार क्या होता है, वी यूज़ द लैंड इन द वेस्टफुल मैनर, गलत तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं लैंड को, जैसे कंस्ट्रक्शन हाउस ऑन ए फर्टाइल लैंड, वेस्ट ही है बेटा, वेस्टफुल मैनर ही है कि हम उपजाऊ भूमि पर हम मकान बना लें। इसी तरीके से हम गार्बेज को फेंकते हैं लैंड पे या फिर वाटर में, उसको हम डर्टी बना देते हैं, पानी को गंदा बना देते हैं जब हम गार्बेज उस पर फेंकते हैं, लैंड भी गंदा हो जाता है, पानी भी। वी शुड अवॉइड यूजिंग, हमें ऐसे इंपॉर्टेंट जो गिफ्ट्स हैं हमारे नेचर के, इन्हें केयरलेस मैनर हमें अवॉइड करना चाहिए, कि हम लापरवाही से जो यूज़ कर रहे हैं इसको हम अवॉइड करें, क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ बहुत सुंदर तोहफा है हमारे पास, भूमि और पानी। जो अवेलेबल लैंड है इज़ नॉट ओनली फॉर यू आवर यूज़, जो हमारे पास भूमि है वो हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं है बेटा, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम इसको क्या करें, सुरक्षित रखें, हमारे लिए नहीं है, हमारे बाद जो जनरेशन है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। तो लैंड को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें, अवेलेबल लैंड को, कि जिससे वो हम अर्थ है वो हम छोड़ जाएं अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो बेटा समझ में आया कि इसमें हमने लैंडफॉर्म और वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, और इस पिक्चर को आप पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके आंसर्स हैं बेटा आगे 7 पॉइंट्स में, और इसके फिर कल हम रिलेटेड फैक्ट्स, की टर्म्स, पॉइंट टू रिमेंबर इसको करेंगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, थैंक यू।